नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूँ जी क्या। उस वक्त नौगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुजान नदी का पानी दसान नदी में छोड़ देने के कारण दसान का जलस्तर बढ़ जाने से किसानों के खेत में पानी भर गया है। लगभग 5-5 फीट ये पानी भर गया है, जिस कारण से किसानों की फसल भी चौपट होने लगी है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अक्सर ही इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है। यूपी क्षेत्र से आने वाली नदी का पानी दसान नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से दसान का जलस्तर बढ़ जाता है और किसानों की समस्या भी बढ़ जाती है। क्या समस्या है? ये समस्या है पानी भरेगा फसल में। कहाँ से आ गया ये पानी? सुजान बांध से। कितनी फुट आपकी फसल डूब गई खेतों में? फसल डूबी 3-4 फुट की लगभग। क्या बोया था आपने खेतों में? कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान होगा वही 40-50 हजार रुपया। 2-3 साल पहले भी भर दिया था पानी, पूरी फसल डूब गई थी, कुछ नहीं मिला इसमें। और अब भी बीज कहीं से दूसरे के यहाँ से ले रहे, खाद आद की व्यवस्था बना रहे, अब ऐसे भर दिया उन्होंने पानी, पूरी फसल नष्ट है। अब बताओ कहाँ से हम किसी को दूसरे को बीज भी देना है, हमें कहाँ से कैसी व्यवस्था बनाएंगे हम? उनको कोई मुआवजा वावजा भी नहीं दिया जाता इसका। स्कूल में भी ऐसी कई 2-3 बार घटनाएं हुई हैं, बांध से ज्यादा से बांध छोड़े जाने पर, पानी छोड़े जाने पर कुछ क्षेत्र डूब में आ जाता है। सामान्यता जाँच में पाया गया है कि किसान जो डूब क्षेत्र की भूमि खाली होती है उसमें फसल बो लेते हैं, उसी में वापस पानी भरने से क्षति होती है। फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी और यदि नियमानुसार उनकी क्षति होना पाई जाएगी तो आप इसी 6-4 के अंतर्गत सहायता दिलाई जाने की कार्रवाई की जाएगी।